बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीएनएन न्यूज़ और मैं हूँ गुलाम जहरा। अब रुख करते हैं खबरनामे की तरफ। एक्स्ट्रा स्पेशल विद नेस्ले मिल्क पैक क्रीम। अब रुख करते हैं सियालकोट का। हमारे ब्यूरो चीफ अमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक तालाब सर्कल रोड रंगपुर सियालकोट में शेर पंजाब टाइटल दंगल जेर निगरानी डिप्टी कमिश्नर सियालकोट का इनकार किया गया, जिसकी सदारत फखरे सियालकोट मुस्लिम लीग के मरकजी रहनमा मोहतरम फरक हफीज भट्ट फराम रंगपुर हाजी शेख अब्दुल कदीर साबिक डिप्टी मैयर यूसी चेयरमैन अहमदपुरा वाइस चेयरमैन यूसी अहमदपुरा चौधरी नसीर अहमद मुस्लिम लीगी रहनमा ख्वाजा खलील अलमरूफ कालाबट मलक राशिद परवेज अवान मरकजी रहनमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सियालकोट अफ खजूरी वाला खसूसी तौर पर सऊदी अरब से दंगल में शिरकत के लिए तशरीफ लाए। हजारों शायकीन मुकाबला देखने के लिए ग्राउंड में तशरीफ लाए। दंगल के इफ्तिताह के मौके पर मेहमान खसूसी वफाकी वजीर दफा फखरे पाकिस्तान मोहतरम ख्वाजा मोहम्मद आसफ की पंडाल अमन पर बेहतरीन आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। पंडाल में मौजूद अवाम ने शदीद नारेबाजी करते हुए मौजूदी ने मेहमान का इस्तकबाल किया। शेर पंजाब डिप्टी कमिश्नर सियालकोट दंगल में पंजाब के बेहतरीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। टाइटल मुकाबला जीतने वाले पहलवानों को ख्वाजा मोहम्मद आसफ ने बेहतरीन इनामात से नवाजा। इस मौके पर पहलवानों के वफद ने फखरे सियालकोट फरक हफीज भट्ट साबिक डिप्टी मैयर यूसी चेयरमैन हाजी शेख अब्दुल कदीर और दीगर मुंतजमीन को पहलवानी की रवायती पगड़ी बांधकर शुक्रिया अदा किया। पंडाल इंतजामिया ने प्रोग्राम की फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम इंतहाई जिम्मेदारी से करने पर मियां मोहम्मद शबाज SHO थाना रंगपुर की काविशों को सराहा और इनकी पूरी टीम को शाबाश दी। इतना ही, मजीद खबरों के लिए हमारे साथ रहिए।